सोनकच्छ तहसील की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने नियमितीकरण की मांगों को लेकर रैली निकाली और राज्य सरकार के नाम पर तहसीलदार राधा महंत को ज्ञापन सौंपा। इसमें मानदेय बढ़ाने समेत अन्य मांगों पर जल्द से जल्द निर्णय लेने की मांग की गई है। सोनकच्छ तहसील की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी मांगों को लेकर नगर में एक रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय का घेराव करते हुए तहसीलदार राधा महंत को एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया। ज्ञापन में मांग की गई है कि हम पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक हमारे पक्ष में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि हमारा नियमितीकरण किया जाए। कार्य और महंगाई के अनुपात में मानदेय बहुत ही कम है, हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। हमसे दूसरे विभाग का कोई कार्य नहीं किया जाए। ज्ञापन का वाचन संगीता चौहान ने किया। इस अवसर पर संघ की नसरीन कुरेशी, आशा लूनिया, गिरजा भावसार, पिंकी परमार, जुवेदा खान सहित बड़ी संख्या में सोनकच्छ तहसील के ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका उपस्थित रही। सोनकच्छ से रूपेश सिंह की रिपोर्ट। और हम एसडीएम सर के द्वारा मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते हैं ताकि हम आंगनवाड़ी सहायिका कार्यकर्ताओं को नियमित किया जाए। और हमें सभी विभागों में काम पे लगा दिया जाता है जिससे हमारा विभाग का काम प्रभावित होता है। और हम चाहते हैं कि हमें समय समय पर सभी सुविधाएँ दी जाएँ और हमारे वेतन में मतलब वृद्धि की जाए। खेड़ी सेक्टर से हूँ, सीमा चौहान नाम है मेरा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांगे हैं कि हमको सबसे पहले तो नियमितीकरण करना है हमारा, हम लोगों को परमानेंट किया जाए। साथ में हम लोगों को मानसे ही बोलकर हमें ना हर विभाग के काम करते हैं, हर विभाग में हमको काम दिया जाता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को मानसे ही बोला जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम मानसेवी ना रहें, हमें नियमित किया जाए, हमारे मानदेय को बढ़ाया जाए और हर विभाग में जो हम लोगों को काम दिया जाता है हम उस काम को करने से मना नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम हम हमको उसका पूरा तरह से मतलब पोषण राशि मिलना चाहिए। कब से आप हड़ताल पे और कब तक? हम 23 तारीख से हड़ताल पे, 23 दिसंबर। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है नियमितीकरण की। मुख्य मांग हमारी यही है कि हमको नियमित किया जाए। नहीं मांगी गई तो क्या है? हम आगे भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे।